कोलारा जनपद पंचायत की पंचायत रांची में ग्राम बरखेड़ी में पिछले 3 वर्षों से करीब 8 लाख रुपए का बिल बकाया होने पर बिजली विभाग गांव से डीपी उठाकर ले गया था, जिसके बाद ग्राम पंचायत के सरपंच रामवीर सिंह चौहान ने अपने पुत्र गोलू यादव के साथ मिलकर लगातार गांव में बिजली बहाली के लिए प्रयास किए। गोलू यादव द्वारा मामले की जानकारी कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी को दी थी, जिसके बाद विधायक ने बीते दिनों ग्राम पंचायत रांची पहुंचकर दरबार लगाया, जन समस्या सुनी। इस दौरान ग्राम बरखेड़ी में बिल बकाया होने से लाइट में बंधित होने की सूचना मिली, जिसके बाद विधायक ने जल्द समस्या निराकरण कर आश्वासन ग्रामीणों को दिया था, जिसके बाद विधायक के प्रयास से गोलू यादव बरेड़ा के द्वारा 10% राशि जमा कराकर आदिवासी बस्ती में भीषण गर्मी से परेशानी उठा रहे नया ट्रांसफार्मर लगा दिया है। अब गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों ने विधायक रघुवंशी और गोलू यादव बरेड़ा का आभार व्यक्त किया है। कोलारस से इमरान अली की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।